नमस्कार बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें। शिवानी से ये चिंबाड़ा से बैठे हुए हैं। सभी बच्चों को पता है ना मेरी क्लास किसकी है? आज अभी कक्षा 12 के बैठे हैं ना सभी लोग। पांडुना चिंबाड़ा से जो बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठे हुई हैं, ये कक्षा 12 के हैं सभी छात्र। बाबई होशंगाबाद से जो बच्चे बैठे हुए, ध्यान दें। ये तीन बच्चे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाबई होशंगाबाद, आवाज जा रही है मेरी? छह कक्षा 12 के हैं। कटनी से ये जो छात्राएं बैठी हुई हैं, यहाँ पर कैमरे की तरफ करिए आपका चेहरा। कटनी, क्या आप कक्षा 12 की हैं? माइक लीजिए और बताइए मुझे, क्या आप कक्षा 12 से हैं? तीन सभी शिवनी, शिवनी लाखाधोन से ये जो बैठे हैं पीछे, क्लासेस में क्या कर रहे हैं पीछे? सिवनी लाखा जोन से जो है ये, माइक लीजिए तो कनेक्ट करिए। हाँ सिवनी, आवाज सुन रहे हैं बच्चे जो होमवर्क कर रहे हैं अपना? ये कक्षा 12 से हैं क्या? आपके कस्टोडियन जो टीचर हैं, जरा उनसे बात कराइए। लाखा जोन सिवनी से कस्टोडियन टीचर से बात कराइए। कक्षा में पढ़ाई हो रही है, आप पढ़ाई के लिए आए हैं क्या? चलिए ध्यान दीजिए, आज हम कक्षा 12 के लिए पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की कक्षा आपकी पहले भी दो कक्षाएं हो चुकी हैं, दो कक्षाओं में आपको पहले भी जिन छात्रों ने पढ़ा है, पवन शर्मा जी ने और रूपचंद साहू जी ने आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? आज हम करेंगे कि इस चैप्टर में हमारा जो अभी का नया ब्लूप्रिंट आया है, उस ब्लूप्रिंट में क्या आना है। सभी को ये पता है कि ये जो हमारा अध्याय 5 है, ये कितने अंक का है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम अधिकतर पढ़ चुके हैं। अब हम अपने परीक्षा की तैयारी से सोचेंगे कि इसमें कितने अंक का आने वाला है, कितने अंक की हमारी इसमें तैयारी होनी चाहिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इन बालों में बच्चे बहुत व्यवस्थित बैठे हैं केवल, बाकी सभी जगह अव्यवस्थाएं हैं। सिवनी लाखा दोन में स्पेशली आप अपने कस्टोडियन टीचर से बोलिए, आपकी इस उसमें शिकायत की जाएगी। तो इस चैप्टर में कितने अंक हैं? 4 अंक, 4 अंक का ही हमारा चैप्टर है। और 4 अंक में कितने अंक कहाँ कहाँ है? 2 अंक तो इसके वस्तुनिष्ठ में है, मतलब एक एक नंबर के 2 प्रश्न इसके वस्तुनिष्ठ आएंगे, जो कहीं से भी हो सकते हैं। विकल्प वाला प्रश्न हो सकता है, खाली स्थान हो सकता है, सही जोड़ी हो सकता है, एक वाक्य में हो सकता है, या सत्य या असत्य में हो सकता है। तो 2 नंबर के हमारे प्रश्न वहां होंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। सिवनी लाखा दोन में क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है बच्चों के पास? सिवनी लाखा दोन में क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है बच्चों के पास? क्या वहां पर स्पीकर नहीं है?
या तो ये बच्चे कक्षा के बाहर चले जाए, ये आपकी शिकायत संचालक महोदय से की जाएगी, आपके प्राचार्य महोदय की। तो दो अंक के प्रश्न के बारे में हमको यहां पर बात करनी है। आपने पढ़ा है छिंदवाड़ा में जो पांडुना है वहां से कोई विद्यार्थी माइक ले और बात करे कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर हम आपको प्रश्नों के बारे में बताते हैं कि किस तरह के प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं। पांडुना छिंदवाड़ा माइक है आपके पास? नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आपसे विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अलग अलग उसकी फ्रेमिंग होती है। सबसे पहले तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति नेचर कैसा है। हमको पता है कि दो प्रकार की हमारी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो ये जो हमारी तरंगें हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनकी प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है, सबको पता है। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुदैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है? जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत तलों में होते हैं, एक दूसरे के परस्पर लंबवत तल में होते हैं। और इसके साथ साथ तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो ये एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये जो कंपन तल होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि इनका जो कला होती है वो कला क्या होती है? समान होती है। मतलब एक ही समय में ये एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक साथ ये अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं और एक साथ फिर पुनः अपने उसी जगह पर ये पहुंच जाते हैं। तो आपने इसका चित्र देखा होगा, मगर दो नंबर का चूंकि प्रश्न है तो आपको विशेषताएं अलग से ना पूछी जाएगी, चित्र अलग से नहीं पूछा जाएगा, केवल उसके बारे में आपको उसकी प्रकृति पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो इसके कंपन तल हैं वो कंपन तल किस तरह से एक दूसरे के लंबवत हैं और किस तरह से ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं। फिर अगला अगर इसमें हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो इन तरंगों की चाल है सी, वो किसके बराबर होती है। तो आप देखेंगे कि जो तरंगों की चाल है उसके तीन सूत्र आप निकाल सकते हैं। एक मुख्य सूत्र होता है E नॉट और B नॉट का अनुपात। E नॉट क्या है? विद्युत क्षेत्र में विस्थापन का अधिकतम मान। और V नॉट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापन का अधिकतम मान। तो C बराबर जो निकलेगा, C बराबर अभी लिखिए, C बराबर पांडुना छिंदवाड़ा में अगर 12 की ये छात्रा है सब तो नोट करिए, तरंग की चाल C बराबर क्या होगी? E नॉट अपॉन B नॉट। E नॉट किसके लिए उपयोग करते हैं? विद्युत क्षेत्र के लिए
विस्थापन का अधिकतम मान है और बी फॉर भोपाल वाला जो है उसके लिए किसकी मान है, ये चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापन का क्या है अधिकतम मान है। तो इस तरह से एक सूत्र ये भी बन जाता है, ये भी अनुपात पूछा जा सकता है। फिर सी का एक और मान होता है, सी बराबर होता है 1/√μ0 और ε0 या ε0। ये भी नोट करिए, सी बराबर क्या होता है 1/√μ0 ε0, दोनों अंडर रूट के अंदर है। ये आपने देखा हो, म्यू नॉट को आपने चुंबक में पढ़ा है, म्यू नॉट को आपने चुंबक में पढ़ा है, क्या है विचार करिए, आपको पता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो सी का मान, तरंग की चाल का मान सी बराबर क्या है 1/ε0 और म्यू नॉट अंडर रूट में, तो 1/√μ0 एंड ε0 ये आपने पढ़ा है। इसके बाद अगर ये किसी भी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में जब ये तरंगें चलती हैं तो वहां पर इसकी चाल को v से प्रदर्शित करते हैं और v बराबर होता है 1/√μ0 ε0 की जगह म्यू और एप्सिलॉन, म्यू और एप्सिलॉन। तो ऐसे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सी बराबर ये चाल किसमें निकाल ली गई है वायु या निर्वात में, और वी बराबर किसी माध्यम में, और दोनों में फर्क है कि सी बराबर है 1/√μ0 ε0 और वी बराबर है 1/√εr μ0 इन टू में। इस तरह अपन ने ये चाल आपकी दोनों में निकाल सकते हैं, माध्यम में भी और वायु या निर्वात। तो इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के प्रयोग किए। वैसे वैज्ञानिकों के नाम के पूछे जाने में बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं है, भौतिक नहीं है, मगर कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोजकर्ता कौन है या विद्युत चुंबकीय तरंगों के इस भाग के खोजकर्ता कौन है। सर क्या आप ये मेरी यहाँ लाखादोन में बात करा पाएंगे? अच्छा, ना तो माइक स्पीकर भी ऑन नहीं है क्या? लाखादोन सिवनी में अगर लास्ट टाइम मेरी आवाज आ रही है तो इस बात का उनके कस्टोडियन टीचर ध्यान दें कि जो मेरे को सामने दिख रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और इसकी शिकायत आपकी संचालक महोदय से की जा रही है। आसपास के कोई क्षेत्र से जो भी हमारे कस्टोडियन टीचर वहां से जुड़ के उनको खबर दें तो उनके प्राचार्य महोदय को ये अवगत करा दें कि हमारी स्लाइड में दिख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश ये देख रहा है कि यहाँ पर हमारे विद्यार्थी बैठ के किस तरह से गजर कर रहे हैं। तो पढ़ाने वाले का कैसे यहाँ पर दिमाग लगेगा, कैसे आई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा फिर भी वो पढ़ा रहा है और ये पूर्णतः गजर कर रहे हैं, बच्चे पूरी तरह मस्ती कर रहे हैं। ये आप स्लाइड में दिखाइए, जरा पूरे एमपी को दिखाइए ताकि हम इनकी संचालक महोदय से कल सिखाए। लाखा तो उनको दिखाइए पूरा, ये बच्चे कैसे वहां पर गजर कर रहे हैं। चलिए तो अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में उनके अलग अलग प्रयोग और उनके अलग अलग निष्कर्षों के आधार पर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको हटा दो मेरे सामने, है ना, अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव में भी और दो नंबर में भी एक प्रश्न इसका बन सकता है। आगे चलते हैं हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग। यहां पर हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है या विद्युत चुंबकीय जो वर्णक्रम है उसके अलग अलग भागों को, मतलब उसमें जो भी तरंगें थी उनके गुण धर्मों के आधार पर हमने अलग अलग उसको जमाया है। और कैसे जमाया है ये आपको पूर्ववत क्लासों में बता चुके हैं। इनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते क्रम, ये बहुत छोटी सी बात है पर ये प्रश्न में उसी जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो देखिए इसमें से एक प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। देखिए हम यहां से तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में बात करें, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में ये आपको पूर्ववत क्या है मगर प्रश्न के फ्रेमिंग में हम ध्यान दें कि कैसे हम इसको करते हैं। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में सबसे पहले आती है गामा किरण, गामा विकिरण भी बोल सकते हैं, गामा तरंगें भी बोल सकते हैं। सबसे कम इनकी तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद जब हम बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी? एक्स किरणों की। एक्स किरणों की बात करेंगे। एक्स किरणें आती हैं नंबर तीन पर, यहां पर आती है परा बैगनी, परा बैगनी विकिरण या किरण किरण। चौथे में आता है जिसके कारण हम देख पाते हैं, मतलब हमारा दृश्य प्रकाश, दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश, दृश्य स्पेक्ट्रम। फिर इसके बाद हमारी आती है अवरक्त तरंगे, अवरक्त, अवरक्त, अवरक्त तरंगे, अवरक्त किरणें। फिर सूक्ष्म तरंगे, आपने पढ़ा है, सुना है माइक्रोवेव्स, कई लोग इस यंत्र का सूक्ष्म तरंगे। और सबसे बाद में आता है रेडियो तरंगे। ये हम पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। रेडियो तरंगे हमको क्या याद रखना है? दो बात यहां पर होती है, एक होती है तरंग दैर्ध्य और एक होती है आवृत्ति। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है, एक बढ़ती है तो एक घटती है। तो हमको इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक बात आप याद रखिए तो आपको इसमें कंफ्यूजन कम होता है। तो आपको क्या बात याद रखनी है? ये जो क्रम है ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। ये तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। और आवृत्ति का कैसा क्रम है? घटता हुआ। आवृत्ति का कैसा क्रम है? घटता हुआ। तो ये प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कई बार। तीन किरणें आपको दे दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में जमाइए या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में
जमाइए, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में जमाइए या तरंग दैर्ध्य के आवृत्ति के घटते क्रम में जमाइए। तो ये आप जब इनको देखेंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपको बहुत इस भाग पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हम इसमें गलती कर देते हैं। एक बात बस ध्यान रखिए कि तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम क्या है, उन तरंगों को आप याद करिए और फिर ध्यान से बहुत सोचकर क्रम देखिए कि कौन से, क्योंकि दो नंबर का प्रश्न अगर है या एक ऑब्जेक्टिव है तो उसमें अगर आप बिल्कुल सटीक लिखते हैं तभी आपको अंक मिलते हैं। तो इसको सटीकता के लिए आपको इन किरणों के क्रम को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए फिर से हम बात करेंगे कि अब अगले प्रश्न कहाँ बनेंगे। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले गामा किरणों के बारे में ही बात करें। गामा किरणों के बारे में जब हम बात करें तो हमको सबसे पहले ये सब आपके पास पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध है कि गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, और आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक है। पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने पढ़ाया भी है और आपके पाठ्य पुस्तकों में भी है। तो वो वैसे आवृत्ति पूछना या तरंग दैर्ध्य पूछना कम उसमें संभावना है, मगर ये पूछा जाता है कि गामा किरणों में क्या विशेषता है, गामा किरणों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, कहां से गामा किरणों की उत्पत्ति होती है, कैसे। ये सब आपने गुणों में उत्पत्ति में पढ़ा होगा। तो गामा किरणों की उत्पत्ति ध्यान दीजिएगा जो लोग बैठे हैं 12th कक्षा के हमारे कटनी में गर्ल्स बैठी हैं, गामा किरणों की उत्पत्ति का आपने पता किया कि गामा किरणें उत्पन्न कैसे होती है। सर ने पिछली क्लास में आपको बताया भी है। तो गामा किरणों की उत्पत्ति के ऊपर भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फिर गामा किरणों के गुण के ऊपर कि गामा किरणों के गुण क्या है, और जो यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना होती है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है। तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता वाली जो किरणें हैं वो हैं गामा किरणें। ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, चार किरणों के नाम दिए होंगे और ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किन विकिरणों की, किन किरणों की, किन तरंगों की होती है। तो उसमें सबसे पहला नाम क्या है, गामा किरण। हमको पता है कि जहां पर भी हम यूरेनियम या किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग करते हैं वहां पर ये किरणें निकलती हैं और इनकी वेधन क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब सर्वाधिक है। ये लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की दीवार को भी पार कर जाती है। सेंटीमीटर मोटी लोहे की दीवार को आप कम मत समझिए। और ये हमारे जो जीवित कोशिकाएं हैं इन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, इनको मार देती हैं। तो गामा किरणों का यही गुण हमारे काम में भी आता है, और किस काम में आता है यहाँ पर भी फिर एक प्रश्न बन जाता है कि कैंसर के इलाज में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में जो उसकी रेडियोथेरेपी होती है उस रेडियोथेरेपी में हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। तो ये गामा किरणों के बारे में बात हुई। गामा किरणों के बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है एक्स किरण। कौन सी किरण है, एक्स किरण। तो एक्स किरणों के बारे में फिर हमको वहीं से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए हमको डीप स्टडी चाहिए, गहरा अध्ययन, गहराई से अध्ययन, क्योंकि वहां पर लगभग दो तो हमारे एक से आंसर तो मिल ही जाते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग कभी टाइम निकाल के कोई दूरदर्शन या किसी प्रोग्राम में जाकर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, देखते होंगे कई हमारे एनसीईआरटी के भी प्रश्न आते हैं प्रोग्राम, तो उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दो आंसर तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमारे दो आंसर तो एक से,
तो आप देखिए उसमें ध्यान दीजिएगा, एक्सकिरणों की फिर उत्पत्ति के बारे में बात करिए कि एक्सकिरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, एक्सकिरणों के गुण क्या है और उन गुणों का हम कहां पर प्रयोग करते हैं। एक्सकिरणों का एक गुण हमको बहुत कॉमनली पता है कि इनकी जो वेदन क्षमता है एक्सकिरणों की, ये गामा किरणों से क्या होती है, कम होती है, इसलिए हमारे शरीर की हड्डियों को ये पार नहीं कर पाती और धातुओं को ये पार नहीं कर पाती, इसलिए शरीर की टूटी हुई हड्डी को पता लगाने के लिए हम इन किरणों का, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में एक्स किरणों के आने से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। फिर इसके बाद एक्स किरणों को हम केमिस्ट्री में भी जो उसकी क्रिस्टल की संरचना है, क्रिस्टल की संरचना को देखने के लिए, पता करने के लिए हम एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। ये उपयोग है, मगर एक्स किरणें हमारे लिए घातक भी हैं। ये भी हमारी जीवित कोशिकाओं को मारती हैं। लिविंग थिंग्स के लिए ये भी डेंजरस है, तो इससे भी हमको बचना चाहिए। जहां पर एक्सीडेंट होता है वहां पर बहुत सावधानी बरती जाती है कि ज्यादा किरणें नहीं निकले, और जो एक्सरे करने वाला व्यक्ति होता है उसको भी एक अलग से मशीन लगा के दी जाती है, एक अलग से चैम्बर में खड़े होकर वो उनको एक्सरे करता है, इन किरणों को उपयोग करता है, और हमको भी इन किरणों के उससे ज्यादा एक्सपोजर से बचना चाहिए, नहीं तो ये भी कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। फिर नीचे आइए, परावैज्ञानिक किरणें, इनके बारे में भी पढ़िए, कहां से उत्पन्न होती है, प्रश्न बन सकता है। फिर परावैज्ञानिक किरणों के गुण और परावैज्ञानिक किरणों के आपके उपयोग, तो परावैज्ञानिक किरणें जो है वो रासायनिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। ये छोटी छोटी बात ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखने वाली, जो उत्पन्न होने में परेशानी होती है तो उनको हम परावैज्ञानिक किरणों की उपस्थिति में उन किरणों, उन रासायनिक क्रियाओं को कराते हैं। तो रासायनिक रूप से जो सक्रिय किरणें हैं सात ग्रुप में वो है परावैज्ञानिक किरणें। प्रश्न आ गया, प्रश्न बन गया ऑब्जेक्टिव यहां से कि रासायनिक रूप से सक्रिय कौन सी किरणें हैं, तो आंसर क्या है, परावैज्ञानिक किरणें। परावैज्ञानिक किरणें एक तरह से तो हमारी जीवित कोशिकाओं को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, और इन्हीं किरणों को रोकने के लिए हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में होता है, बताइए, ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली परावैज्ञानिक किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। मगर हम कुछ ऐसे रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण उस ओजोन परत में भी छेद हो रहा है जी, और वो किरणें हमारे वातावरण में आ रही हैं। फिर ओजोन किरणों के, परावैज्ञानिक किरणों के हम प्रयोग भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं। कहां पर आपने सुना होगा, बहुत एक कॉमन उपयोग है, जो नोट होते हैं हमारे, जो हमारी भारतीय करेंसी है, भारतीय मुद्रा जो है, उसमें हर नोट में एक विशेष प्रकार की एक लाइन बनी होती है, और वो लाइन पर जैसे ही हम परावैज्ञानिक किरणें डालते हैं तो उसमें एक प्रकार की प्रतिदीप मतलब चमक उत्पन्न होती है, जिससे हम असली या नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। और भी कई इसके उपयोग हैं, हीरे को पता करने में कि ये शुद्ध है या अशुद्ध, या फिर घी शुद्ध घी है कि नहीं, अंडा ताजा है कि नहीं, इन सब के उपयोग में भी हम परावैज्ञानिक किरणों का उपयोग करते हैं। दृश्य प्रकाश के बारे में भी प्रश्न आ सकता है, दृश्य प्रकाश की उत्पत्ति, उसकी तरंगदैर्ध्य, उसका आवृत्ति परास, यहां से भी और उसके उपयोग। फिर अवरक्त तरंगों का भी प्रश्न बनता है, अवरक्त तरंगों में आपको पता है जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, जो गर्माहट है, वो क्या है, अवरक्त तरंगे, वो क्या है, अवरक्त तरंगे। तो अवरक्त तरंगों का उपयोग हम करते हैं।
मगर एक विशेष उपयोग के ऊपर जो प्रश्न बनता है कि कोहरे में संकेत भेजने के लिए हम किन तरंगों का प्रयोग करते हैं और क्यों, तो वहां पर आपको आंसर तुरंत मिलेगा कि ये जो हम अवरक्त तरंगे हैं उनका प्रयोग कोहरे में संकेत भेजने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रकीर्णन मतलब फैलाव जो है वो बहुत ही कम होता है, तो कोहरे में संकेत भेजने के लिए हम अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो फोटोग्राफी होती है उस फोटोग्राफी में जो डार्क रूम होता है जहां हम फोटो को डेवलप करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, वहां पर धीमा प्रकाश लाल रंग का रखा जाता है। ये भी हमको पता होना चाहिए, प्रश्न भी है, दोनों बन सकते हैं। फिर आप बात करेंगे इसकी पराबैंगनी किरणों के ऊपर कि पराबैंगनी किरणों के जो बल्ब होते हैं वो बल्ब किसके बनाए जाते हैं, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक है आपका पदार्थ, क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, कांच के जैसा, कांच के नहीं, क्योंकि कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, कांच पराबैंगनी किरणों को बाहर नहीं जाने देता। जैसा हम अगर एक कांच के मकान के अंदर सब्जियों को या किसी भी पौधे को रखते हैं तो वो पराबैंगनी किरणों से क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। और हम भी धूप के चश्मे लगाते हैं तो वो किरणें भी क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। आपने देखा होगा बिल्डिंग की जाती है वो लोग कुछ विशेष प्रकार के चश्मे लगाते हैं, वो सब पराबैंगनी किरणों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो ये इसलिए हम वो बल्ब बनाते हैं, आज का नहीं बनाते, क्वार्ट्ज का बनाते, क्योंकि क्वार्ट्ज उनको अवशोषित नहीं करता। इसके बाद आप किस पे आ जाएंगे, अवरक्त हो गई, अब अवरक्त के बाद सूक्ष्म तरंगे। आपको पता है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग आज हम जो मोबाइल टीवी जितनी भी प्रचार प्रसार की बात है वो दोनों तरंगों तक सीमित है, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म रेडियो तरंगे, या हम उसको बोलते हैं माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव का एक और नया उपयोग करते हैं हम भोजन को गर्म करने के लिए, हम क्या करते हैं माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। रेडियो तरंगों का आपने उपयोग देखा है, रेडियो तरंगों का नाम, रेडियो हम लोग के पास एक यंत्र होता है उसका नाम ही है रेडियो, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी ये जो बात आ रही है, आवाज आ रही है, वो पहुंचाते थे पहले, तो उस यंत्र का नाम ही सब हम उसको रेडियो बोलते थे। मगर वो रेडियो इसलिए था क्योंकि वो रेडियो तरंगों से चलता था। तो ऐसा आपको इस प्रश्न में, क्योंकि ये जब भी हम जो बात कर रहे थे उसमें गणितीय भाग कम है, पूरा ऐसा भाग है जिसके बारे में हमको बार बार अध्ययन करना है, अध्ययन करके उन प्रश्नों के सटीक आंसर पर हम पहुंच पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। अब हम बात समस्या की करें, अगर किसी भी कक्षा में किसी विद्यार्थी को समस्या है तो उस समस्या पर खुद पहले विचार करें कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, और फिर माइक लेकर दूर के हमसे उस समस्या पर बात करें कि सर ये इसमें और क्या आ सकता है, सर कैसे हमारे दो नंबर का और एक नंबर का प्रश्न फ्रेम हो सकता है। और किस भाग से वो प्रश्न बन सकता है, किस भाग से वो प्रश्न फ्रेम हो सकता है, माइक लीजिए और पूछिए। हम आपका एक मिनट इंतजार कर रहे हैं, आप पहले प्रश्न खुद विचार करिएगा मगर कि वो हम इसी इकाई से पूछना है कि नहीं, कैसा बन सकता है, क्योंकि दो नंबर में और एक नंबर में यहां पर जो चैलेंज है वो ज्यादा है। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव का सटीक आंसर होगा तब नंबर मिलेगा, दो नंबर में भी कारण सटीक होगा तब नंबर मिलेगा, आपके लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा। अगर पराबैंगनी किरणों का उपयोग लिखा है तो वो आप सटीक उपयोग लिखेंगे। अगर ये पूछा गया कि कांच के बल्ब नहीं बनाए जाते, क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, तो क्यों, तो कारण केवल अवशोषण, कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, क्वार्ट्ज नहीं। बाकी आप कुछ भी लिखिए, नंबर से उसका कोई संबंध नहीं। कोहरे में संकेत किससे भेजते हैं,
अवरक्त तरंग मेन आंसर अवरक्त तरंग। फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में कौन से प्रकाश का उपयोग करते हैं और क्यों क्यों, और दोनों आपको आंसर में दोनों शब्द लिखने हैं तो दो नंबर में एक एक नंबर हो गया। तो ऐसे इस तरह आप सातों विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक बार ध्यान से पढ़िए, उनका किताबों में चार्ट दिया है। आप सबसे पहले उनकी तरंग दैर्ध्य की परास देखिए, आवृत्ति की परास देखिए, खोजकर्ता का नाम देखिए, फिर आप में ये देखिए कि उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, फिर उनके गुण क्या है और उन गुणों का उपयोग क्या है। तब आप में दो नंबर और एक नंबर मतलब टोटल हमारे चार नंबर के बारे में सटीक सटीकता इस अध्याय में जरूरी है। चार नंबर में कुछ थोड़ा बहुत गलत लिखने पे हमको तीन नंबर या चार नंबर मिल सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको सटीकता चाहिए। तो आप इसमें अध्ययन कक्षा होगी तो फिर इसमें हम विचार करेंगे इसके ऊपर। किसी को समस्या नहीं है, किसी ने माइक नहीं लिया। चलिए धन्यवाद।